इंग्लिश बी कोर। तो देखो अब हम मोमेंट कर रहे हैं और चैप्टर 3 पर आ गए हैं जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला व्यक्ति। और कौन है कहानी सुनाने वाला व्यक्ति? ईश्वरन। तुम समझ सकते हो चैप्टर का नाम ही ये रख दिया गया, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके अंदर जो ईश्वरन है ना, वो इतना कमाल का कहानी सुनाता है, इतनी बढ़िया तरीके से कहानी सुनाता है कि सामने वाले बंदे को बहुत इंटरेस्ट आता है। अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हुए, अलग अलग तरह के सीन को क्रिएट करते हुए बिल्कुल छोटे लेवल से बड़े लेवल पर पहुंचा देता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारे सामने एक पिक्चर बनती जा रही है। मतलब कहानी सुनाने का इसका जो तरीका है ना, वो दूसरे लोगों से बिल्कुल हटकर है। इतनी कमाल की कहानियां सुनाता है, एक टाइम को तो खुद को भी यकीन होने लग जाता है कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ होता है। जबकि इसकी कहानियां बिल्कुल बेसलेस होती है, मतलब कोई तुक नहीं होता इसकी कहानी का, लेकिन कहानियों के अंदर इतना मिर्च मसाला डालता है कि कहानी इंजॉय की जा सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बोलता है। कभी कहेगा कि एक बड़े दांत वाला जानवर था, उस बड़े दांत वाले जानवर को मैंने यूं ही खत्म कर दिया। कभी कहेगा कि एक गांव में जो हाथी होता है वो पागल हो गया था। कभी भूत की कहानी सुनाता है, कभी कैसी कहानी सुनाता है। तो अलग अलग तरह की कहानियां सुनाकर है ना, ये अपने मालिक को खूब इंजॉय करवाता था। और उसको कभी भी अपने कमरे में टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि टीवी की जगह ये इतना बढ़िया टीवी जो था ईश्वरन। तो कहानी में आ जाते हैं, अब हम इसके पढ़ेंगे कुछ की पॉइंट्स, कंप्लीट समरी बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब होता है इस चैप्टर से संबंधित कुछ खास बातें। तो देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं इस चैप्टर से संबंधित। महेंद्र वॉज बैचुलर। बैचुलर का मतलब होता है कुआरा, मतलब महेंद्र की शादी नहीं हुई है। जूनियर सुपरवाइजर इन अ कंस्ट्रक्शन फर्म, ये किसी कंस्ट्रक्शन फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है। कंस्ट्रक्शन फर्म उसे कहते हैं जो लोगों के घर बनवाती है, अलग अलग बिल्डिंगे बनवाती है, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट फर्म की तरफ से, है ना। तो उस कंपनी का ये क्या था, जूनियर सुपरवाइजर। इसका क्या काम था, जहां पर कंस्ट्रक्शन होती थी ना, या फिर जहां पर बिल्डिंग बनवाने का काम चल रहा था, वहां पर उन काम को ये देख रेख करता था कि काम ठीक तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई लापरवाही तो नहीं हो रही। तो इसका मतलब था कि इसको नजर रखनी थी, जहां पर कंस्ट्रक्शन चलती रहती थी उन जगहों पर इसको नजर रखनी होती थी, सुपरवाइज करना पड़ता था, इसलिए ये क्या था, सुपरवाइजर। सेकंड पॉइंट, हिज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स। उसका काम था नजर रखना अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। महेंद्र ऑलवेज हैड इज एसेट हिज कुक। तो जो महेंद्र के पास नौकर था ना, उसका जो कुक था, जो खाना बनाता था ईश्वरन, वो उसके लिए सिर्फ एक कुक नहीं था। ध्यान रखना, ईश्वरन तो सिर्फ महेंद्र का कुक था जो इसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर देता था, किसको, महेंद्र को। लेकिन ईश्वरन उसके लिए सिर्फ कुक नहीं था, वो उसका साथी था, वो उसका दोस्त था, उसको कहानी सुनाया करता था, खूब इंजॉय करवाता था। तो वो उसका एक बहुत ही बढ़िया टीवी भी था, मतलब उसके लिए वो कुक कुक नहीं था, वो उसकी संपत्ति थी, वो उसकी क्या थी, एसेट थी। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो इसका कितना बड़ा वजूद था महेंद्र के लिए, ये कितना जरूरी था। और ये कुक भी कमाल का था, इतने बढ़िया बढ़िया लजीज लजीज पकवान बनाता था ये, जो हमने कभी सुने भी नहीं है, और इतना बढ़िया बनाता था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ईश्वरन हैड अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल। ईश्वरन के अंदर अत्यधिक क्षमता है, बहुत ही आश्चर्यचकित क्षमता है कि वो वेजिटेबल बनाता है एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स एनीवेयर, और कहीं पर भी वो बढ़िया लजीज खाना बना सकता है। अगर उसको सब्जियां मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया खाना पकाकर तुम्हारा पेट निकाल सकता है 2 दिन के अंदर। तो इतना बढ़िया ये खाना बनाने में माहिर है। ईश्वरन वुड रीड पॉपुलर तमिल थ्रिलर स्टोरीज। ईश्वरन को तमिल थ्रिलर स्टोरीज पढ़ने का भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसे बहुत पसंद है, वो अक्सर थ्रिलर स्टोरीज पढ़ता रहता है। थ्रिल मतलब जिसमें एडवेंचर होता है, रोमांच होता है, वो चीज। सिक्स पॉइंट देखते हैं, हिज ओन डिस्क्रिप्शन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर। वो खुद इस तरह से बात करता है तमिल वगैरह में, मतलब उसको काफी अच्छी नॉलेज है तमिल की। ही वीव्ड एंडलेस स्टोरीज। वीव्ड का मतलब होता है, देखो एक तो होता है टेल्स कहानी बताना, और एक वीव का मतलब होता है कहानियां गढ़ना, मतलब ये अपने मन ही मन से इतनी बढ़िया और बेहतरीन कहानियां गढ़ता है कि सामने वाले बंदे को यकीन होने लगता है। इतनी बढ़िया ऐसी स्टोरीज गढ़ना शुरू करता है ये, जिसका कभी कोई अंत ही नहीं है, एंडलेस। प्लेड अ रोल ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। तो महेंद्र जहां पर रहता था, जिस जगह पर वो रहता था, वहां पर उसका ये जो ईश्वरन था, ये एक तरीके से टीवी का रोल प्ले करता था, मतलब उसे टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ही वीव्ड अ टेल ऑफ अ टस्कर। एक बार उसने
देखो टेल का मतलब होता है कहानी और टस्कर का मतलब होता है बड़े दांत। एक बार उसने ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक राक्षस के बहुत बड़े बड़े दांत थे। राक्षस के कहो या जानवर के कहो, कोई भी था, उसने कहा एक बार एक ऐसा जीव आया जिसके बहुत बड़े दांत थे और वो जहां पर भी जाता था हर उस चीज को बर्बाद कर दिया करता था अपने दांतों से। उसने एक बार ही वेव्ड अ टेल ऑफ अ टस्कर, एक बार एक टस्कर की कहानी सुनाई विच डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और वह हर चीज को बर्बाद कर दिया करता था ऑन द वे, जो भी रास्ते में आती थी। एंड हाउ ही मेड हिम कोलैप्स इन द एंड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कैन एंड कराटे। और फिर वह बताता है कि मैंने उसको किस तरह से कोलैप्स्ड कर दिया। कोलैप्स्ड का मतलब होता है खत्म कर दिया। मैंने उस बड़े दांत वाले जीव को किस तरह से मारा, वो अपने अपने मालिक महेंद्र के सामने डींगे मारता है अपने बारे में कि देखो मैंने कैसे मारा कराटे करके। नाइन्थ, ईश्वरन लिंग द ऑस्पिशियस फुल मून नाइट। पता है वो ये भी कहता है कि जब ये चांद पूरा दिखाई देता है ना, चांदनी रात जो होती है, और जब चांद पूरा दिखाई देता है तो उस समय जो भूतनियां होती हैं वो हाथ में भ्रूण लेकर घूमती हैं। भ्रूण देखा है कभी? छोटा बच्चा मरा हुआ उसे कहा जाता है भ्रूण, उसकी लाश, ठीक है। तो वो अपने मालिक को कहता है साहब आपको पता है कि जब ये चांद पूरा होता है, चांदनी रात जब पूरी होती है, तो उस समय भूतनी जो है भ्रूण लेकर घूमती है, और जहां पर वो दिखाई देती है उस आदमी की अगले दिन मौत हो जाती है। तो 9th पॉइंट देखते हैं, ईश्वर लिंक द ऑस्पिशियस फुल मून नाइट टू अ स्टोरी ऑफ फीमेल घोस्ट होल्डिंग अ फोटस। फोटस का मतलब होता है भ्रूण, और तुम्हें मालूम है वो ये कहता है कि जब फुल मून नाइट दिखाई देगी तो उस समय फीमेल घोस्ट मतलब कि भूतनी क्या लेकर घूमती है, भ्रूण। महेंद्र रिब्यूक हिम, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। महेंद्र उसको इस बात पर डांटता है कि क्या बेमतलब की कहानी सुना रहे हो, इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। महेंद्र रिब्यूड हिम फॉर एक्सप्लेनिंग सच बेसलेस स्टोरीज। तो वो उसको बेसलेस स्टोरीज सुनाने के लिए मना करता है कि बेकार की बातें मत करो। असल बात तो ये थी कि महेंद्र डरने लगा था। ही थॉट दैट वॉज ओनली अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। वह सोचता है महेंद्र, महेंद्र के लिए आई है ये वाली लाइन, महेंद्र सोचता है ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। ये जो ईश्वरन कहानियां सुनाता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कल्पना है बस, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। वन नाइट महेंद्र हियर्ड अ लो मून नियर हिज विंडो। उसी रात भाई कहानी सुनी थी इसने ईश्वरन से, तो डरना तो इसका बनता ही था, क्योंकि वो कहानी इतनी बढ़िया सुनाता था कि दिमाग में फिट कर दिया करता था बात। तो उसी रात उसको एक धीमी आवाज सुनाई देती है रोने की। मून का मतलब होता है वो करना, जब कोई मर जाता है तो पश्चाताप करते हैं ना रोने का, ऐसी रोने की आवाज सुनाई देती है विंडो के पास। ही पुट इट एज अ कैट। उसे लगा कि शायद कैट होगी, बट साउंड बिकेम लाउडर एंड लाउडर। लेकिन आवाज धीरे धीरे करके लाउड और लाउड होती चली गई, मतलब बढ़ती गई। 13th पॉइंट, महेंद्र सो अ क्लाउडी फिगर होल्डिंग अ बंडल। उसने बादलों का एक झुंड भी देखा, एक इकट्ठा होता हुआ झुंड, धुआं सा। इट अफेक्टेड हिम वेरी मच दैट ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली। उस वजह से महेंद्र को इतनी परेशानी हुई इन सब बातों से, महेंद्र इतना प्रभावित हुआ कि उसको उस दिन नींद ही नहीं आई ठीक से, और वह परेशान होने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन ग्रेटेड हिम। अगली सुबह ईश्वरन आया एंड टोल्ड अबाउट द लास्ट नाइट एक्सपीरियंस, और उससे पूछा पिछली रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या अनुभव करा आपने, क्योंकि ईश्वरन जानता था कि मैंने भूत की कहानी सुनाई है तो कुछ तो असर होगा, और वाकई में असर भी हुआ। एट लास्ट, आखिरकार महेंद्र रिसोल्व टू लीव द प्लेस, और महेंद्र ने उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, हैंडेड इन इस पेपर, और इस बात को उसने अपने पेपर पे हैंडेड करा, लिख कर रख लिया।